राइट अ स्मॉल मैक्रो इन एक्सेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेवलपर के टैब में जाएं, इंसर्ट, यहाँ पे एक बटन ऐड करें, इसको ड्रैग कर लें। आप यहाँ पे मैक्रो का नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफॉल्ट रहने देंगे और न्यू पे क्लिक कर दें। ये VBA का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप, तो यहाँ पे हम कोड इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक किसी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, रेंज इन्वर्टेड कॉमा A1 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इक्वल। यहाँ पे आप कोई कलर नंबर दे दें 37, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब आप इस बटन को प्रेस करें तो आप देखेंगे कलर चेंज हो गया सेल का। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं बटन को, तो आप रीनेम कर दें। चेंज द कलर ऑफ सेल। तो अब एक और बटन ऐड करते हैं, इंसर्ट न्यू, और ये जो ऊपर कमांड आ रही है इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका कलर जो है वो खत्म करके जीरो कर दें, क्लोज कर देते हैं। अब जो ये नाम आ रहा है इसको भी रीनेम कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट राइट क्लिक करके चेंज द कलर ऑफ सेल टू वाइट। तो अब इस पर क्लिक करें तो आप देखें बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया, और पिछले बटन पर क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। एक और बटन ऐड करते हैं, न्यू मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स एक्चुअली पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करता है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी और पेस्ट कर दें। तो अब जो भी कलर नंबर होगा उस सेल का, वो ऑटोमेटिकली जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिस्प्ले होगा। तो ये मैसेज बॉक्स जो है वो आपको पॉपअप करके नंबर बताएगा। तो इसको फिर क्लोज कर दें, इसको भी राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कलर नंबर। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें कलर नंबर आ गया, जो कि इस वक्त 37 है। तो इस तरह हम डिफरेंट मैक्रोज यूज कर सकते हैं एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस के लिए।